तो इस दिवाली सेल में हमें फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों ही जगह काफी अच्छे डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं स्मार्टफोन्स पर। और आप भी अगर एक नए कैमरा स्मार्टफोन में अपग्रेड करने की सोच रहे हो और आपका बजट है 20,000 तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में हमने शॉर्टलिस्ट करे हैं 5 सबसे बेहतरीन कैमरा स्मार्टफोन जो आप करंटली खरीद सकते हैं सेल सीजन के दौरान, और साथ ही हमने इनको रैंक भी करा है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो शुरुआत करते हैं हमारे लिए इसके 5वें नंबर के फोन से, और ये फोन है OnePlus की तरफ से Note CE 2 Lite। तो अगर आपको कम बजट में एक डीसेंट कैमरा फोन चाहिए तो इस फोन के साथ आप जा सकते हैं। जान लेते हैं इस फोन के स्पेक्स के बारे में। तो इस फोन के रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगा, इसके साथ ही इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का ही आपको डेप्थ देखने को मिलेगा। तो अगर इसके प्राइमरी लेंस को छोड़ दिया जाए तो मैक्रो और जो डेप्थ दिए गए हैं इस कैमरा में वो सिर्फ एक गिमिक है, इन दोनों से ही हमें कोई खास आउटपुट देखने को नहीं मिलता है। और बात करें इस कैमरा की वीडियो क्वालिटी की तो इससे आप फुल एचडी वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। अब नजर डालते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरा पर। तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और इससे भी आप फुल एचडी वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। इस फोन में आपको 6.59 इंच का फुल एचडी प्लस 120Hz का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 5000mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी, 33W की फास्ट चार्जिंग जो कि लेती है सिर्फ 30 मिनट इस फोन को 50% चार्ज करने में। और बात करें इस फोन के वेट की तो 95 ग्राम में मोटाई है 8.5 mm, और करंटली स्मार्टफोन को आप 19,000 में खरीद पाएंगे। और अब बढ़ते हैं हमारे लिए इसके 4th नंबर के फोन की तरफ, और ये फोन है MI की तरफ से 11i HyperCharge। इस फोन में हमें एक अच्छे कैमरा के साथ साथ अच्छा डिस्प्ले और साथ ही काफी तगड़ी फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है, और साथ ही इस फोन का रियर कैमरा 4K वीडियो भी सपोर्ट करता है। जान लेते हैं इस फोन के स्पेक्स के बारे में। तो इस फोन के रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगा, इसके साथ ही इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो देखने को मिलेगा, और इससे आप 4K वीडियो ले पाओगे 30 FPS पे। और बात करें इस फोन के फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और इससे आप फुल एचडी वीडियो ले पाओगे 30 FPS पे। इस फोन के रियर कैमरा में हमें 4K वीडियो के साथ साथ जो सेकेंडरी सेंसर्स हैं वो भी बेटर देखने को मिलते हैं। जान लेते हैं इस फोन के अदर स्पेक्स के बारे में। तो इस फोन में आपको 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस 120Hz का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बात करें इस फोन की बैटरी की तो इस फोन में आपको 4500mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिलती है, 120W की जबरदस्त फास्ट चार्जिंग के साथ जो कि लेती है सिर्फ 15 मिनट इस फोन को 100% चार्ज करने में। इस फोन में आपको 3.5 और स्टीरियो स्पीकर दोनों ही देखने को मिल जाएंगे डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ। इसके साथ ही इसमें आपको IP53 की वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग देखने को मिल जाएगी। और बात करें इस फोन के वेट की तो वह 204 ग्राम और मोटाई है 8.3 mm। और बात करें इस फोन के प्राइस की तो इस फोन का जो करंट लिस्टेड प्राइस है वो है 25,000, और अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 3200 का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही इसमें आपको 1,000 रुपए का बैंक ऑफर भी देखने को मिल जाएगा। और अब बढ़ते हैं हमारे लिए इसके 3rd नंबर के फोन की तरफ, और ये फोन है वीवो की तरफ से T1 Pro 5G। तो अगर आपको कम बजट में एक अच्छा कैमरा फोन चाहिए तो इस फोन के साथ आप जा सकते हैं। ऑल्दो इस फोन के रियर कैमरा में आपको 4K वीडियो का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। जान लेते हैं इस फोन के स्पेक्स के बारे में। तो इस फोन के रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो देखने को मिलेगा, और इससे आप फुल एचडी वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। इसके साथ ही इस फोन के फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप, और इससे आप फुल एचडी वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। बात करें इस फोन के अदर स्पेसिफिकेशंस की तो इस फोन में आपको 6.44 इंच का फुल एचडी प्लस 90Hz का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही इसमें आपको स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 4700mAh की लिथियम आयन बैटरी, 66W की फास्ट चार्जिंग के साथ जो कि लेती है सिर्फ 18 मिनट इस फोन को 50% चार्ज करने में। इसके साथ ही इस फोन में आपको इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा जो कि पिछले दोनों ही स्मार्टफोन में मिसिंग है। इस फोन का वेट है 180 ग्राम, मोटाई है 8.4 mm, और करंटली स्मार्टफोन को आप डिस्काउंट के बाद 19,000 में खरीद पाएंगे। तो आपको आसानी हो इसीलिए मैंने इस स्मार्टफोन के साथ साथ इस लिस्ट के बाकी सभी स्मार्टफोन के डील लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इनके थ्रू आप इन सभी स्मार्टफोन को इनके बेस्ट प्राइस पे खरीद पाएंगे। और अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के 2nd नंबर के फोन की तरफ, और ये फोन है रियलमी की तरफ से 9 Pro Plus। इस फोन का रियर कैमरा काफी अच्छा है, इसमें जो सेंसर यूज करा गया है वो जनरली हमें 50,000 के स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। जान लेते हैं इस फोन के स्पेक्स के बारे में। तो इस फोन के रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगा जो कि आता है सोनी के IMX766 सेंसर के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का हमें मैक्रो देखने को मिलता है। और बात करें वीडियो क्वालिटी की तो इससे आप 4K वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। और इसके साथ ही ये इकलौता कैमरा है इस लिस्ट का जिसमें आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरा की। तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और ये आता है सोनी के IMX471 सेंसर के साथ, और इससे आप फुल एचडी वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। इसके साथ ही इस फोन में आपको 6.4
4 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 4500 mAh की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलेगी 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि लेते सिर्फ 15 मिनट इस फोन को 50% चार्ज करने में। इस फोन में आपको 3.5 mm जैक देखने को मिल जाएगा Dolby Atmos के सपोर्ट के साथ। बात करें इस फोन के वेट की तो 182 ग्राम मोटाई है 7.9 mm। और बात करें प्राइस की तो इस फोन का जो करंट लिस्टेड प्राइस है वो है 25,000। मगर इस फोन का प्राइस पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करा है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि थोड़ा वेट करो, ये फोन आपको आराम से 20,000 से 21,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। और फाइनली हम आ गए हैं अपने लिस्ट के नंबर 1 पोजीशन के फोन पे, और ये फोन है सैमसंग की तरफ से M53। इस स्मार्टफोन में हमें डेफिनेटली इस लिस्ट का सबसे बेस्ट कैमरा देखने को मिलता है। इसके साथ ही जो सैमसंग की इमेज प्रोसेसिंग है उसके वजह से आपको काफी अच्छे आउटपुट्स भी देखने को मिल जाते हैं। नजर डालते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस पर, तो इस फोन के रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 108 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का ही आपको डेप्थ देखने को मिलेगा, और इससे आप 4K वीडियो ले पाओगे 30 FPS पे। और फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप, और इससे भी आप 4K वीडियो ले पाओगे 30 FPS पे। तो अच्छे रियर कैमरा के साथ साथ स्मार्टफोन में हमें अच्छा फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है। नजर डालते हैं इस फोन के अदर स्पेसिफिकेशंस पर, तो इस फोन में आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज का सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। MediaTek Dimensity 900 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि वेपर कूलिंग सिस्टम के साथ आता है। इसके साथ ही इसमें हमें 5000 mAh की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है। साथ ही ये फोन सपोर्ट करता है 25 वॉट तक फास्ट चार्जिंग, मगर इस फोन के बॉक्स में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। इस फोन में आपको 12 5G बैंड देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही इसमें आपको 2 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो अपडेट्स के मामले में भी ये स्मार्टफोन काफी अच्छा है, मगर इस फोन में आपको 3.5 जैको स्टीरियो स्पीकर दोनों ही देखने को नहीं मिलेगा। इस फोन का वेट 76 ग्राम और मोटाई 7.4 mm, और करंटली स्मार्टफोन का जो प्राइस है सैमसंग की वेबसाइट पे वो है 19,000। तो नो डाउट ये इस चीज का सबसे बेस्ट कैमरा फोन है। इसमें हमें अच्छे हार्डवेयर के साथ साथ अच्छी इमेज प्रोसेसिंग भी देखने को मिल जाती है। मगर आप बताओ आपका फेवरेट स्मार्टफोन कौन सा है मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ ही बेस्ट कैमरा फोन अंडर 25,000 वाली वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।